तो साथियों, वेलकम, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एमपी पटवारी 2023 का जो पेपर होना है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के लिए, तो उसके लिए। और ये जनरल साइंस का पेपर है। यहाँ इसमें जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं उन सवालों को हम देख रहे हैं और देख सकते हैं कि जो सवाल आते हैं उनका थोड़े सी स्तर किस प्रकार का होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और पहला सवाल है अपना कि एक तंतु लैंप या जिसे फिलामेंट लैंप भी कहा जाता है क्या होता है। चार विकल्प दिए गए हैं। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा है कि ऊष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और चौथा विकल्प है कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर चार, विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। और नंबर दो क्वेश्चन है कि जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण के विलयन में गिरा दिया जाता है तो किस रंग में परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जब लाल लिटमस पेपर के एक टुकड़े को सामान्य लवण में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, क्या कौन सा कलर बदलता है। नीला, कोई परिवर्तन नहीं। लाल या फिर गुलाबी, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि नंबर दो विकल्प। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है। चंद्रमा, बिजली का बल्ब, सूर्य या फिर तारा, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा मून। ये स्वतः दीप्त नहीं है क्योंकि इसको सूर्य से प्रकाश मिलता है। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देगा। उबला हुआ चावल, सूरजमुखी का तेल, शर्करा विलयन, अंडे की सफेदी। अब बताना है कि इनमें से कौन। पहला है कि पहले विकल्प में पहला, और दूसरा, दूसरे में है केवल एक, तीसरा में है कि केवल तीन, और चौथा में है कि तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सिर्फ उबला हुआ चावल, यानी कि नंबर तीन। जो उबला हुआ चावल है ये आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोलर बियर के बारे में गलत है। पोलर बियर यानी ध्रुवी भालू, चिकना शरीर, नुकीले घुमावदार पंजे, सफ़ेद फर और त्वचा के नीचे वसा की परत। तो यहाँ पे सही विकल्प है जो गलत है वो नंबर वन, चिकना शरीर। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। सड़क के किनारे की मिट्टी, खुला मैदान, रेगिस्तान, वन मिट्टी। तो इन विकल्प में जो सही विकल्प हो जाएगा वो हैगा वन मिट्टी, यानी कि फॉरेस्ट सॉइल में सबसे अधिक जल धारण की क्षमता होती है। लेकिन सामान्यतः जो सबसे अधिक जल धारण करती है वो है काली मृदा या काली मिट्टी। अगर यहाँ पे काली मिट्टी होती तो सही विकल्प काली मिट्टी होता। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जा सकता है। उभयोत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे विकल्प बी या नंबर दो, उत्तल दर्पण, क्योंकि वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं कि लगभग एक किलोमीटर पीछे कोई गाड़ी आ रही होती तो आपको दिख जाता है आसानी से। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर दो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ है कि निम्नलिखित रेशों में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीथीन, ऊन एवं कपास, टेफ्लॉन एवं कपास, नायलॉन, टेरिलॉन एवं कपास, टेरिलिन एवं कपास। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा टेरिलिन और काटन, कपास का प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर नौवां है कि खोलदार अंडे देने वाले पशु इस रूप में अपने अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर यूरिया। तो सही विकल्प हो जाएगा यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल, नंबर दो। और क्वेश्चन नंबर दस है कि वह राज्य जो चक्रवात से सुभेद्य नहीं है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। मतलब ऐसा राज्य जो चक्रवात से प्रभावित नहीं होता कौन सा है इनमें। तो इनमें सही विकल्प नंबर तीन हो जाएगा, राजस्थान। बाकी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये सभी समुद्र किनारे स्थित हैं तो ये चक्रवात के लिए सुभेद्य हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर तीन, राजस्थान हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ग्यारह है
कि एक स्क्रैपर के साथ अपशिष्ट जलोपचार में हटाए गए स्थिर ठोस को क्या कहा जाता है? वाहितमल, अपशिष्ट मिट्टी, अपंक या ह्यूमस? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर तीन स्लज या अपंक। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खालिस्तान का अपर्याप्त उत्पादन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ग्रोथ हार्मोन। तो जो टैडपोल का अधूरा विकास होता है वह किसके कारण होता है? थायरोक्सिन की कमी के कारण। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, थायरोक्सिन। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों को की गतिशीलता को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तारककाय, लाइसोसेम, केंद्रक या कोशिका झिल्ली? तो आदान प्रदान का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। तो नंबर 4 सेल मेम्ब्रेन्स हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि फलीदार पौधों की मूल ग्रंथिका में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु खालिस्तान होते हैं। नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम और रोडोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, फलीदार पौधों की जो मूल ग्रंथिका होती है वहाँ क्या होता है? राइजोबियम। तो नंबर 2 विकल्प। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। जो विद्युत केतली होता है उसका हत्था जो होता है किससे बना होता है? अर्धचालक से, संवाहक से, कार्बन की छड़ से या विद्युत रोधक से? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, एक विद्युत रोधक से बना होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि तापमान की इकाई निम्न है क्या है? डिग्री सेल्सियस, एम्पियर, सेकेंड या मीटर? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि मृत वनस्पतियों के कोयले में रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीवाश्मीकरण, कार्बनीकरण, परिरक्षण या अपघटन? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे कार्बनीकरण, कार्बनाइजेशन, नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 18 है कि पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक स्थानिक पशु है बाघ, बाइसन, तोता या फिर शेर जैसी पूछ वाला मैकॉक? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अपने एमपी में ही है, उमरिया जिले, सॉरी होशंगाबाद, वर्तमान नर्मदापुरम जिले में स्थित है ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और वहाँ का जो स्थानिक पशु या जो एंडेमिक एनिमल की बात करें जो सिर्फ वहीं पाया जाता है वो है बाइसन। ठीक है, तो नंबर 2 सही विकल्प हो जाएगा, बाइसन। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि विद्युत दर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु खालिस्तान है, कार्बनिक है, स्थिर वैद्युत है, चुंबकीय है या आवेशित है? तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 4, चार्ज्ड या आवेशित। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि इवनिंग स्टार नाम खालिस्तान को दिया गया है ध्रुव तारा, सीरियस, मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह? तो सही विकल्प हो जाएगा, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार का नाम दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है इसकी समय अवधि क्या होगी? 0.04, 0.4 या 0.2 या फिर 0.02? तो सही विकल्प हो जाएगा इसका 0.04, यानी कि नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वो प्रकृति में क्या होती हैं? नरम, आघातवर्धनी, ध्वनिक या तन्य? तो सही विकल्प हो जाएगा ध्वनिक, इसके लिए धातु की बनी होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ट्रक की चाल है 10 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1, 10 मीटर पर सेकंड। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, समय बराबर दूरी बट समय बराबर दूरी बटा चाल को रख के निकालना है, उसी फार्मूले में रख के आगे पीछे करके। तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि उस सही अनुक्रम को चीने जिसमें एक भेड़ की फ्लीस से ऊन प्राप्त किया जाता है, यानी कि भेड़ से जो ऊन प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसका सही क्रम क्या है, ये हमको चुनना है। छटाई, निर्घर्षण, बढ़ का चयन, रंगाई, ऊन कर्तन? बरकचयन, रंगाई, ऊन कर्तन, निर्घर्षण, छटाई। ऊन कर्तन, निर्घर्षण, छटाई, बरकचयन और रंगाई। चौथा है निर्घर्षण,
छटाई, बढ़ का चयन, रंगाई, ऊन कर्तन। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें। सबसे पहले क्या, ऊन को तो काटेंगे, तो नंबर थ्री विकल्प सही हो जाएगा, ऊन कर्तन, निर्घर्षण, छटाई, बढ़ का चयन, इसके बाद फिर रंगाई। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25वां, और वो है कि हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवी श्वसन इसका उत्पादन करता है। और अवायवी श्वसन कब होता है? जब हमारा शरीर ज़्यादा कार्य कर लेता है और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब ऐसी स्थिति आती है, अवायवी श्वसन ये होता है। तो ऐसी दशा में कब होता है, क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन, लैक्टिक केवल लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल। तो सिर्फ लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा और क्वेश्चन देख लेते हैं जो फिर से पहले नंबर से स्टार्ट होगा। तो पुनः पहला प्रश्न है हमारे पास कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं किसमें? जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में, मिट्टी के तेल में, या तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, इनको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, क्योंकि अगर पानी में रखेंगे तो बड़ा भयंकर ब्लास्ट व्लास्ट होने लग जाता है और आग लग जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3, मिट्टी के तेल में। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि धमनियों का मुख्य कार्य है, धमनियों का क्या कार्य है? डिऑक्सीजनेट रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना, या ऑक्सीजनेट रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में ले जाना, या ऑक्सीजनेट रक्त फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, या डीऑक्सीजनेट रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से फेफड़ों में ले जाना? तो ये क्या करती है? जो धमनी है इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य करता है। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है खालिस्तान का कारण होती है, थल समीर, समुद्र समीर, रेतीला हवा, या मानसून की हवा? तो सही विकल्प है इसका थल समीर। जब स्थल से थल की ओर चले, यानी कि हाँ सॉरी, स्थल से जल की ओर चले, तो एक मिनट, ठंडी हवा जो भूमि से या स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे थल समीर कहा जाता है, जब थल की ओर से चले तो, और जब सागर की ओर से चले तो उसे जल समीर कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, बुध और शनि, वीनस और यूरेनस, यूरेनस और मरकरी, नेपच्यून और मंगल? पूर्व से पश्चिम की ओर कौन करते हैं इसमें? वीनस और यूरेनस। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा प्रवाह होती है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, फ्यूज, फिलामेंट, एमसीबी, सर्किट। तो क्या होता है, ये बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा, फिलामेंट। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि वो लघुतम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 60 सेकेंड, तो क्या है जो उपलब्ध घड़ी, मतलब जो जिसे हम हाथ में पहनते हैं, तो सबसे जो न्यूनतम है जिसे हम घड़ी से माप सकते हैं वो है 1 सेकेंड। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे बी। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्थायी दांत, अग्रचर्णवक दांत, दूध के दांत, या चवर्णक दांत? तो क्या कहते हैं इनको? दूध के दांत या मिल्क टीथ। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेरिस्कोप एक यंत्र है जो इसका प्रयोग करता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण दोनों? तो पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है होता है, क्या होता है? घास या वनस्पति की बात करें, जैसे कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु और पादप कोशिका, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेल्युलोज, सुक्रोज। तो ये जो सेल्युलोज है, यानी कि नंबर 3 विकल्प, ये
पादप कोशिका में पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी सेल्यूलोज। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि मौसम पूर्वानुमान इसका उपयोग करता है ज्वर मापी का, अधिकतम न्यूनतम तापमापी का, या डॉक्टरी थर्मामीटर का, या प्रयोगशाला थर्मामीटर का। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। तो ये क्वेश्चन लगभग 3 साल इसको रिपीट किया है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुँचती है, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, या वाष्पन के द्वारा। तो सूरज की जो ऊष्मा होती है हम तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऊन कटाई इस प्रक्रिया को दर्शाता है, ऊन की कटाई किस प्रक्रिया को दर्शाता है, ऊन से सालों को बनाना, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना, ऊन के लिए भेड़ों को मारना, भेड़ के बच्चों को पालना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों से ऊन के साथ त्वचा की पतली परत हटाना। तो सही विकल्प नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग करी जाती है जो इसे, यानी कि लोहे में जिंक क्यों मिलाया जाता है, धूल और खड़ोंचों से बचाता है, सुंदर बनाता है, इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है, चमक प्रदान करता है। तो सही विकल्प हो जाएगा जंग से बचाता है इसके लिए। तो यहाँ पे नंबर 3 विकल्प सही हो जाएगा कि इसे संक्षारण से और जंग लगने से बचाता है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि टार्चें इसका प्रयोग करती हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस, यानी कि टार्च में जो टार्च होते हैं उसमें किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है या लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है, प्रज्वलन ताप अधिक होता है, कैलोरी मान उच्च होता है, या दहन ऊष्मा उच्च होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नंबर एक, प्रज्वलन ताप कम होता है जिसकी वजह से ज्वलनशील पदार्थ बहुत ही जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो उसे कहा जाता है, दुमटी मृदा, बलुई मृदा, ह्यूमस, या मृणमय मृदा। तो जब बालू की अधिकता हो तो उसे क्या कहा जाएगा, बलुई मृदा। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि WWTP को विस्तृत करें, यानी कि WWTP को फुल फॉर्म क्या है बताएं, वर्ल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या वर्ल्ड वाइड ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पर सही विकल्प नंबर सी हो जाएगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि विद्युत प्रतिरोध को निम्न इकाई में मापा जाता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध को किस इकाई से मापा जाता है, जूल में, ओम में, एम्पियर में, या वोल्ट में। तो सही विकल्प क्या है, ओम है, कि विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है। तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, ओम। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि परिखा, चेन पंप, ढेकली और राहत हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, संलवन के आधुनिक तरीके, कीटनाशक के छिड़काव के पारंपरिक तरीके, बीज बोने के पारंपरिक तरीके। तो ये जो मोट, ढकेली और राहत, ये जो हैं सिंचाई करने के पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि आवर्तकाल खालिस्तान दिनों का तक रहता है और मासिक धर्म चक्र को समाप्त करता है। तो जो आवर्तकाल होता है 2 से 7 दिनों तक का होता है, और ये जीव विज्ञान क्वेश्चन है, और ये 2 से 7 दिन का होता है, और मासिक धर्म का जो चक्र होता है महिलाओं में उसको समाप्त करने का कार्य करता है। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का वर्धन करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, पूतिरोधी, या एंटीसेप्टिक, या एंटीजन्स प्रतिजन, या एंटीबॉडी, या एंटीबायोटिक। तो क्या कहा जाता है इसमें, तो इसको सही विकल्प हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, यानी कि नंबर डी सही है इसका। और क्वेश्चन नंबर 22 है
कि भूजल का खाली स्थान प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण हो जाता है। जलभरत, अंतःस्पंदन, जलचक्र या आमेलन, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन या अंतःस्पंदन के माध्यम से पुनर्भरण हो जाता है, तो सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि लाइकेन, इनके बीच का सह सजीवी संधि संबंध होता है। लाइकेन जो कि सहजीवी का सहजीविते का बेहतरीन उदाहरण है, किन के मध्य पाया जाता है? चार विकल्प हैं, शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और शैवाल, शैवाल और शैवाल, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा शैवाल और कवक, यानी कि एल्गी और फंजी के बीच पाया जाता है, तो सही विकल्प नंबर एक हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24वां है, सॉरी 24वां छोड़ते हैं, और 25वां है कि खमीर में अवायवी श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद हैं, यानी कि ईस्ट में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवी श्वसन होता है, उससे क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल, ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और एल्कोहल, तो यहाँ पे बनता है कार्बन CO2 और एल्कोहल, ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। तो ये था विगत वर्ष ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछे गए जो सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन वो, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ लगभग 3 सेट लेके आ रहे हैं, तो 75 सवाल रहेंगे, तब तक इंतजार करें। नमस्कार, और इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, लुसेंट को बेहतरीन से पढ़ें, जनरल साइंस के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा लुसेंट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।